मैं अक्सर एक एग्जाम्पल शिव भगवान की दिया करता हूं कि जो शिव भगवान के मानने वाले हैं कैसे अपने परमात्मा की मूर्त अपने सामने बनाएंगे। ये समझिए कि सह शरीर हमारे सामने विद्वान है, बड़े प्यार से, बड़ी बड़ी आंखें हैं, ख्याल से बनाए, ख्याल बाय थॉट, ख्याल से बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, रुद्राक्ष पहने हुए हैं, बनाए ख्याल से। और जब वो मूरत सामने स्पष्ट हो जाए, जब वो मूरत आपके सामने स्पष्ट हो जाए, उस पवित्र मूरत को अपने हृदय में उतारिए, जिस प्यार से आपने अपने भगवान को सामने बनाया उतने ही प्यार से अपने हृदय में उतारिए। और जो इंसान सबसे ज्यादा प्यारा लगता है आपको, गृहस्थ के अंदर बेटी है, बेटा है, जो प्यारा लगता है, उसकी शक्ल रह रह के, ध्यान रह रह के आता है दिमाग के अंदर, अलग नहीं होता, बनाए अपने सामने। और जो हमारा दिल है, दिल की धड़कन कहते हैं बंद हो गई, चला गया, चल रही है, चल रहा है, बंद हुई, चला गया, उस दिल की धड़कन में जो आपका नाम है उसको हर धड़कन पर सुनने की कोशिश करें, ओम नमो शिवाय, बड़े प्यार से ओम नमो शिवाय। इतने प्यार से इस काम को करना है कि जब तक आप पूजा अर्चना करते हैं, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा सायंकाल, आधे घंटे का टाइम निश्चित कर दिया, सबको करना चाहिए, चाहे वो संसारी हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो सन्यासी हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, क्योंकि परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी, कर्म करने का अधिकार दिया, जो चाहते हम कर लेते हैं, इसलिए ये उसकी बड़ी महती कृपा है हमारे ऊपर, बड़ी महती कृपा है कि उसको मान सकते हैं, उसको जान सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, दिल की हर धड़कन पर बड़े प्यार से उस नाम को लेना है जो आपका इष्ट है, जिसकी मूरत आपके सामने बनी हुई है, बनाए। और जब वो मूरत स्पष्ट हो गई तो हृदय में उतार लिया। पर एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी ये काम करें, देखिए हम संसारी लोग हैं, संसार में बहुत सारा काम करते हैं, कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल, सारे ही ग्रस्त का काम करते हैं, तो जैसे ही हम इस कंसंट्रेशन में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, चित्त को एकाग्र करने की कोशिश करेंगे, ध्यान, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, चित्त की एकाग्रता, मन को एक ओर लगाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे तरह तरह के विचार हमारे सामने आएंगे जो जिंदगी में कभी सोचे भी नहीं होंगे, आते हैं, नेचुरल है। ऐसे बड़े बड़े विचारों के पहाड़ आपके सामने आएंगे कि आप घबरा जाएंगे सोच के, पर हमें घबराना नहीं है। जैसे वो विचार हमारे सामने आए, उन विचारों को अपने दिमाग से हटाई, फिर दोबारा अपने इष्ट के विचार में लगिए, दोबारा फिर हटाइए, फिर अपने इष्ट के विचार में लगिए, फिर हटाइए, फिर अपने, अगर छोड़ देंगे तो छूट जाएगा अभ्यास। जितने हमारे कर्म हैं आज, सिगरेट पीने की आदत एक दिन में थोड़ी बनी है, 20 साल से पीते चले आ रहे हैं, और आदत इतनी पक्की हो जाती है कि अगर डॉक्टर कहता है कि इसको छोड़ो तो कहते हैं भाई इसकी दवाई दे दो, अब तो भैया साथ जाएगी। बहुत लोगों से मैंने इस चीज को सुना है कि साथ जाएगी, शराब पीने वाला आदमी पीते पीते इतना पक्का हो जाता है, इतना पक्का
डॉक्टर कहता है कि तेरी किडनी खराब हो, कहता भैया आपको साथ ही जाने दो इसको, इतनी पक्की आदत बन जाती है, संसारिक आदत इतनी पक्की हो जाती है। जब हम परमात्मा का नाम लेंगे तो हमारी आदत भी इतनी पक्की हो जाएगी, इतनी पक्की कि जब हमारा अंतिम समय आएगा तो ये भी हमारे साथ जाएगी। जैसे और चीज़ें साथ जाती हैं, ऐसे ये भी चीज़ आपके साथ जाएगी। तो करना क्या है, हम करते क्या है, ध्यान करके परमात्मा के नाम को मन के अंदर ठोकते चले जाते हैं, थपेड़ा मारते चले जाते हैं, इम्प्रेशन बनाते चले जाते हैं। और इतना गहरा इम्प्रेशन बन जाता है कि जब वो पूजा का टाइम आपका आएगा, आधा घंटा सुबह आधा घंटा सायंकाल, ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगी कि भाई मेरा पूजा का समय हो गया। जैसे खाने का समय है, भूख हो या ना हो, अगर घड़ी में 12 बजे और 12 बजे का आपका टाइम है तो मन कहेगा कुछ खा लिया जाए, आदत, हैबिट फॉर्मेशन। तो जब इतनी सांसारिक चीज़ों की आदत बना सकते हैं तो क्यों ना परमात्मा की याद की आदत बनाएं। और जब आदत बन जाएगी तो एक इतना सुंदर विचार धारणा बनेगी, समय बने, समा बनेगा। सच्चा मनुष्य डेवलपमेंट होगा दिमाग का, सच्चा डेवलपमेंट जब इंसान ज्यादा बोलने लगता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं भैया ज्यादा बोलने लगा, कहते हैं भैया इसका दिमाग ज्यादा तेज चल रहा है, थोड़ा धीरे करो, तो गोली दे देता है दिमाग धीरे करने के। और जब धीरे चलता है तो कहते हैं कि भाई ये अब काम नहीं कर सकता है ना, तो उसके लिए भी कहता है कि भैया गोली ले लो जिसका दिमाग ठीक चलने लगे। हमारे ऋषियों ने ऐसी चीज निजात की है, ऋषियों ने, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो लोग, कि मन को कैसे बैलेंस करें, सो के शरीर को आराम दे लेते हैं हम लोग पर मन हमारा चलता रहता है, जो दिन में काम किए रात को सोते सोते उनके सपने आते हैं, मन बराबर चलता रहता है। मन को आराम देने का सबसे बड़ा साधन ध्यान है। जैसे ध्यान में जाएंगे मन निष्क्रिय हो जाएगा और उसके अंदर सोचने की शक्ति आत्मा से आएगी, परमात्मा से आएगी। तो मैंने आपको बताया ध्यान करने का तरीका, अपने सामने बनाएं उसको, अपने हृदय में उतारें, दिल की हर धड़कन पर जो नाम आपका है, जो आपने चुना है परमात्मा का, उसको सुने। और जो निराकार भगवान के उपासक हैं, निराकार ओम अल्लाह वाहेगुरु, बड़े प्यार से बैठिए, ओम, दिल की हर धड़कन पर ओम, ओम निकले इतने प्यार से सुने और पूरे शरीर में वाइब्रेट होता हुआ दिखाई दे, लहर जाता हुआ, ओम ओम, महसूस करिए, महसूस करने की चीज है। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। मैं अक्सर एक एग्जांपल शिव भगवान की दिया करता हूं कि जो शिव भगवान के मानने वाले हैं, ध्यान मूलं
गुरूर मूर्ति पूजा मूलं गुरु पदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा मोक्ष हमने तो सतगुरु जी पकड़ा दामन तुम्हारा तू आसरा हमारा तू आसरा हमारा हमने तो सतगुरु जी पकड़ा दामन तुम्हारा तू आसरा हमारा तू आसरा हमारा तू आसरा हमारा तू आसरा हमारा प्रह्लाद के सहाई मीरा के बंसी बाले प्रह्लाद के सहाई मीरा के बंसी बाले भक्तों के दाता तूने सब काज है संभारे आया है तू दौड़ कर आया है तू दौड़ कर जब भी तुझे पुकारा तू आसरा हमारा तू आसरा हमारा आया है तू दौड़ कर आया है तू दौड़ कर जब भी तुझे पुकारा तू आसरा हमारा तू आसरा हमारा हमने तो सतगुरु जी पकड़ा दामन
आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। मैं जानता हूं तूने शबरी के बैर खाए, मैं जानता हूं तूने शबरी के बैर खाए। कभी भक्त सुदामा के तूने महल बनाए, माया का चोला लेकर, माया का चोला लेकर आया है फिर दोबारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा, माया का चोला लेकर, माया का चोला लेकर आया है फिर दोबारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। हमने तो सतगुरु जी पकड़ा दामन तुम्हारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। ओ मेहर करने वाले, हम पर भी मेहर करना, ओ मेहर करने वाले, हम पर भी मेहर करना, करके नजर दया की, दीनों की झोली भरना, मेरी ये आरजू है, मेरी ये आरजू है, डर छूटे ना तुम्हारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा, मेरी ये आरजू है, मेरी ये आरजू है, छूटे न दर तुम्हारा, तू आसरा
आसरा हमने तो सतगुरु जी पकड़ा दामन तुम्हारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। ओ
असली मकसद चित्त के कार्य जब तक नहीं लगता पूजा नहीं बनती। सच्ची पूजा तभी बनती है और जिनको बनती है उसका आनंद वही जाए। अगर उनको वो आनंद ना मिले तो दिन भर खोए खोए रहते हैं। कोई चीज चली गई है, कोई असल चीज से हम दूर हो गए, ऐसा उनको जिंदगी में अनुभव होता है। एक खाना ना मिले तो कोई बात नहीं, और अगर ऐसी पूजा नहीं बनी तो दिन खिन्न रहता है। तो ये तरीका इन संतों ने बताया कि ऐसे हम अभ्यास करें, ऐसे हम पूजा करेंगे, तो इस आधा घंटे का ही हमें विशेष लाभ होगा। जो जो हमें चित्त की एकाग्रता मिलती जाएगी, हासिल होती चली जाएगी, वैसे ही वैसे हमारे अनुभव खुलते चले जाएंगे। और जब तक अनुभव नहीं होते ज्ञान पक्का नहीं होता, ज्ञान अनुभवों से पक्का होता है, पढ़ने से नहीं होता। किताबों किताबें पढ़ने से तो परिभाषाएं आती, ज्ञान नहीं आता। ज्ञान तो करने से आता है, ऐसी उपलब्धि से आता है सच्चा ज्ञान, बिना अनुभव के सच्चा ज्ञान नहीं मिलता, परिभाषाएं मिलती। ये तरीका इन संतों ने बताया उनके लिए कि जो साकार पुजारी। अब दूसरे भाई हैं निराकार पुजारी, वो क्या करे? वो मूर्ति नहीं मानते, स्वरूप भगवान का नहीं मानते, कोई बात। इनके लिए संतों ने बताया रास्ता कि भाई आप बेशक स्वरूप न मानते हो, अपने ध्रुव भी कहते हैं पल्पिटेशन ऑफ हार्ट, हार्ट बीट्स, हृदय की धड़कन, उस हृदय की धड़कन में अपने प्रभु के नाम को सुने ख्याल से, ख्याल की जबान, नॉट बाई टंग बट बाई थॉट। ये ख्याल करें कि जब हमारा हृदय दुख दुख करता है तो उसमें से ओम की आवाज निकल रही है, हमारा हृदय ओम ओम कह रहा है, जबान नहीं कह रही। आसन वही है, बाकी सारी बातें वही है, कोई चेंज नहीं, सिर्फ मेथड में तब्दीली है। वो इसीलिए है कि हम यहां निराकार उपासकों की बात, पहले शुरू शुरू में तो हृदय की धड़कन भी सुनाई नहीं देती, लेकिन जब आप अभ्यास करेंगे, सत्संग में आते जाते रहेंगे तो हृदय की धड़कन सुनाई देने लगी और उसमें से प्रभु का नाम होता हुआ भी सुनाई दे। जब तक सुनाई ना दे तब तक मानसिक जाप करते रहें, अगर ओम नाम है आपने पकड़ा, हृदय में सुनने की कोशिश कीजिए, मन से ओम ओम कहते भी जाइए, ध्यान हृदय पर भी लगाते हैं, बहुत जल्दी ये कुछ ऐसा आएगा कि आप हृदय की आवाज को सुनेंगे, हृदय से ओम की आवाज निकलते हुए आपको स्पर्श सुनाई नहीं, अब कहने की आवश्यकता नहीं, अब उसे सुनने की आवश्यकता है। सुनेंगे यहां भी वही हालत पैदा हो, हमारा हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती। जब आप महब हो जाएंगे, तल्लीन हो जाएंगे उसके सुनने में, और दूसरा न कोई शब्द रहेगा न दूसरा ख्याल रहेगा, सेवा उसकी, हमारी आत्मा को बड़ी प्रसन्नता होगी, बड़ी खुशी हासिल होगी। जब दिल लग गया, प्रभु की शक्ति याद हो रही, फिर हम सुषुप्ति में चले जाएंगे, अपना होश नहीं होगा, अपने आप से गायब होंगे, और फिर होश आएगा तो उस प्रभु की फिर याद होगी, फिर उसी शब्द को सुनते हो। तो ये तरीका पूजा का मेथड इन संतों ने बताया कि अगर हम इस तरीके से पूजा करेंगे तो हमें विशेष लाभ होगा, और ये आधा घंटा ही हमें, आधा घंटा सुबह आधा घंटा सायंकाली हमारे लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा अगर हम इस प्रकार पूजा करें। अब इस तरीके के बारे में
कुछ प्रश्न किए जाते हैं। मैं जो विशेष विशेष प्रश्न किए जाते हैं एक आध आपके सामने रखूंगा, अगर कोई भाई और कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछेंगे। सबसे बड़ा जो प्रश्न किया जाता है, जो इंटेलिजेंसिया बहुत पढ़े लिखे लोग करते हैं, और वो ये है कि आप ध्यान करने का तरीका बताते हैं। तो ऐसा मालूम होता है कि आपका जो रास्ता है ध्यान योग का है। बिल्कुल सच्ची बात, ध्यान करने का तरीका बताते हैं तो ध्यान योग तो है ही। ध्यान योग का जो अथॉरिटी सबसे बड़ी पतंजलि महाराज के कहते, पतंजलि महाराज ध्यान योग की अथॉरिटी है। और पतंजलि महाराज ने जहाँ ध्यान करने का तरीका बताया तो उन्होंने ये बताया है, सिद्धासन से बैठे साधक, उसका कुशा का आसन हो, पृथ्वी से 5 उंगल ऊंचा हो, कुशा बिछी हो, पवित्र वस्त्र हो, मृगशाला हो, फिर बैठे सिद्धासन से बैठे, नासिका के अग्रभाग को देखे, भाव के बीच में ध्यान लगाए। ये तरीका है पतंजलि महाराज, और गीता में भगवान कृष्ण ने भी यही तरीका बताया कि साधक 5 उंगल ऊंचा उसका पृथ्वी से स्थान हो जिस पर बैठे, कुशा का आसन हो, पवित्र वस्त्र हो, मृगशाला हो, सिद्धासन से बैठे, नासिका के अग्रभाग को देखे, भाव के बीच में ध्यान दे। यम नियम का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन, आसन की सिद्धि, प्राणायाम की सिद्धि, प्रतिहार ध्यान, धारणा ध्यान, समाधि, 7वां ध्यान है। ये सब सिद्ध हो जाने के बाद फिर ध्यान करें। जब ये सिद्ध हो गया तो अब ध्यान लगाइए यार, तो कोई हल नहीं आ गया। ब्रह्मचर्य पर बड़ा भारी दोष, ब्रह्मचर्य। ऐसे भगवान कृष्ण ने जहां ये अभ्यास करने का तरीका बताया है उससे पहले ये कहा है कि ऐसा साधक माता पिता का ब्रह्मचर्य भी बड़ा ऊंचा रहा हो वो इस अभ्यास को कर सके। तो अब हम अगर पढ़ के गीता पढ़ के पतंजलि योग को पढ़ के अभ्यास करने लगे और उसकी जो प्री रिक्विजिट्स हैं उस पर ध्यान ना दे तो फायदे की जगह नुकसान हासिल हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि आप उस स्ट्रेन को बर्दाश्त कर लें और आपकी प्राणवायु मस्तिष्क में बैठ जाएगी जो उसका आशय। जो अभ्यास किया जाता है इसीलिए किया जाता है कि हमारी प्राणवायु हमारे मस्तिष्क में ऊपर के चक्रों में बैठती चली जाए और बैठ जाए। लेकिन अगर ब्रह्मचारी नहीं है तो क्या हुआ कि हमारी नर्व में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो लोच नहीं है, तो नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए। और अक्सर नर्वस ब्रेकडाउन के बहुत से केसेस ऐसे मिलते हैं कि जो किताबें पढ़ के या ऐसे ये अभ्यास करना पड़ा, किसे सुन के अभ्यास करना प्रारंभ, बिना गाइडेंस के अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि हमारा रास्ता गृहस्थी का है, पूर्ण ब्रह्मचर्य का सवाल पैदा नहीं होता, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने हमारे सदगुरुओं ने कहा कि नहीं हम हृदय से करेंगे, हृदय से अभ्यास करेंगे। अब हृदय में ध्यान कीजिए, जब आप हृदय की तरफ निगाह करेंगे तो आपकी निगाह नीचे है, हृदय की तरफ, मस्तिष्क पर कोई स्ट्रेन नहीं, कोई दबाव नहीं। और ये खास तौर से बताया जाता है कि भाई ध्यान में कभी स्ट्रेन नहीं करना चाहिए, आनंदमय अवस्था बना के बैठिए, ये सोच के बैठिए कि हे प्रभु मैं तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ, तेरे चरणों में मैं विश्राम चाहता हूँ। मन से लड़ाई मत लड़िए, उसको प्यार से समझाइए, प्यार से समझा के उधर लगाइए।
हृदय से, तो निगाह नीची है, कोई खतरा नहीं किसी किसी, कोई नर्वस ब्रेकडाउन कभी नहीं होने वाला। और हृदय वो स्थान है कि जहां से खून का दौरान हमारे सारे शरीर में होता है, ब्लड का पंपिंग स्टेशन। अगर हृदय राम नाम से रंग जाए और राम नाम से रंगा हुआ ये खून हमारी नसों नाड़ियों में जाएगा, तो हमारे शरीर के हर छिद्र से परमात्मा का नाम जारी हो जाएगा। इसका विशेष लाभ। और दूसरी बात क्या है कि हार्ट इज द सेंटर ऑफ ऑल फीलिंग्स। जितनी भावनाएं हृदय से पैदा होती अच्छी और बुरी, अगर हृदय राम नाम से रंग जाए तो फिर हृदय में अच्छी ऊंची ऊंची भावनाएं पैदा होती है, परोपकार भक्ति भाव नम्रता स्वभाव पैदा होता है, नम्रता ह्यूमिलिटी भक्ति भाव, ऐसे सुंदर गुण पैदा होते। और इन गुणों की अध्यात्म तो आवश्यकता ही है, दुनिया में भी आवश्यकता है। ऐसा विनयशील पुरुष जहां जाएगा हर व्यक्ति उसकी कदर करेगा।
जय सद्गुरुदेव, जय पद शरण, श्री यशुरूप चरण शरण, जय सद्गुरुदेव, जय पद शरण, श्री यशुरूप चरण शरण, जय सद्गुरुदेव, जय पद शरण, श्री यशुरूप चरण शरण, जय सद्गुरुदेव, जय पद शरण, श्री यशुरूप चरण शरण, जय सद्गुरुदेव, जय पद शरण, श्री यशुरूप चरण शरण, जय सद्गुरुदेव, जय पद शरण, श्री यशुरूप चरण शरण, जय सद्गुरुदेव, जय पद शरण, श्री यशुरूप चरण शरण, जय सद्गुरुदेव, जय पद शरण, श्री यशुरूप चरण शरण, श्री यशुरूप चरणों